उत्तर प्रदेश में मनरेगा कर्मियों के बकाया मानदेय को लेकर 30 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें आज यानी 1 नवंबर 2023 को 11 बजे 55 करोड़ की धनराशि जारी करने की बात कही गई थी और उसमें सभी मनरेगा कर्मियों के सितंबर माह तक का मानदेय भुगतान करने के सख्त आदेश दिए गए थे। 11 बजे तकनीकी कारण से यह धनराशि नहीं पहुँच पाई। 2 बजे के बाद धनराशि खाते में पहुंचते ही ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हुई, क्योंकि यह धनराशि कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। विभाग की उदासीनता के कारण ऐसी स्थितियां अक्सर उत्पन्न होती रहती हैं। त्यौहार के समय यदि किसी की मेहनत का मेहनताना न मिले तो उस पर क्या बीतती है, यह तो वही बता सकता है। शासन के सख्त आदेशों के बाद भी जारी आदेश की अवहेलना की गई और विभाग के पास सही आंकड़ा न होने के कारण भी ऐसी स्थितियाँ अक्सर बन जाती हैं। किस कर्मचारी को कितनी धनराशि बाकी है और प्रदेश में वह धनराशि कितनी होगी, कोई आंकड़ा नहीं है। और बची कसर हमारे ही बीच के कर्मचारी साथी, जिनमें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर पूरी कर देते हैं, क्योंकि आज हमने रिपोर्ट में देखा कि यह लोग अपना मानदेय सितंबर यहां तक कि अक्टूबर तक का निकाल लिए हैं और GRS का पूरा बकाया है। तमाम जनपदों में तो कुछ ब्लॉक ऐसे भी हैं जहाँ अप्रैल से अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है। आशा करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय को संज्ञान में लेकर सही कदम उठाएगी। मानदेय के लिए पृथक बजट व सही तरीके से पूरे प्रदेश में एक ही नियम के तहत सभी को बराबर मानदेय भुगतान किया जाए, क्योंकि जनपद सुविधा अनुसार अपने अपने नियम कानून भी जारी करते रहते हैं। इससे किसी को सब कुछ तो किसी को कुछ भी नहीं वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम बोनस आज की मांग नहीं करते हैं, हमें हमारी मेहनत का पैसा समय पर मिल जाए, यही बोनस होगा।